अजीज़ भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि कोरोना पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और तमाम टीवी चैनल और अखबारात और जितने भी इस किस्म के नशरियात और मीडिया से मुतलिक तमाम अदारे हैं वो बार बार हमें याद करा रहे हैं कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और इससे बचना है। और ये कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तेज़ी के साथ और बहुत जानलेवा है। हफ्ते की शाम को जब हमने सुना कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब को और खातून अव्वल उनके मिसेस बुशरा बीबी को भी कोरोना हो गया है या वो कोरोना से मुतासर हो गए हैं तो बहुत अफसोस हुआ। कोरोना तो खैर हर जगह फैल रहा है, कोरोना ना तो किसी का ओहदा देखता है, ना को मज़हब देखता है, ना इंसान के अमीर या गरीब होने की बात है, कोरोना इंसानों पर हमलावर होता है। तो हमने इतवार के तमाम गिरजाघरों में अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब के लिए, उनके मिसेस खातून अव्वल के लिए दुआएं की गईं और आज भी लोग लगातार दुआ कर रहे हैं। हमने भी अभी दुआ की है कि खुदा हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, खातून अव्वल, उनके मिसेस बुशरा बीबी को और सब लोगों को कोरोना से बचाए और खुसूस तौर प्राइम मिनिस्टर को, ताकि वो सेहतियाब हों और मुल्क के तमाम इंतज़ाम बेहतर तरीके से चलाते रहें। और दुआ है कि खुदा उनके ज़रिए से मुल्क को बहरानों से भी निकाले, ताकि मुल्क तरक्की करे और मुल्क में रहने वाला हर शख्स इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारे। ऐ खुदा हमारी दुआएं सुन, ताकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और खातून अव्वल सेहतियाबी की ज़िंदगी बसर करें मसीह खुदावंद के वसीले से।